संजीव जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो बैंक्स की ही बात करना चाहूंगी, क्योंकि लोन ग्रोथ सिनेरियो जबरदस्त रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ, 10 साल के ऊपरी स्तर पर क्रेडिट ग्रोथ देख चुके हम। इस वक्त बैंकिंग की बात करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा सही भी है, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में हम देख रहे हैं एक्शन पैक का यहाँ पर कामकाज। हाँ बिल्कुल मानसी जी, और आपको तभी आपको याद है अभी 3 हफ्ते पहले मैंने आपको छोटा बैंक कहा था, साउथ इंडियन बैंक, वो 8.5 वाला, उसकी लोन ग्रोथ देखिए और बुक देखिए, आज वो न्यू हाई हमारे 52 वीक हाई 11.5 का। उसके अलावा यूनियन बैंक 32, 34, 36, ये अजय को और डिम्पी को रोज कहता था, देखिए यूनियन बैंक के नंबर 75 से कम मत बेचना यूनियन बैंक को, और बने रहिए। और इसके अलावा आपको मैंने सुबह भी कहा था, इंडसइंड बैंक इज अ नो ब्रेनर, इट हैज द लार्जेस्ट एक्सपोजर इन द सीबी मार्केट, इट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, उनके निम्स और नेट इंटरेस्ट इनकम हैज कम एट अ रिकॉर्ड हाई, ये शेयर वापिस 1250 जाएगा, तो इंडसइंड बैंक मेरा टॉप पिक है इन द बैंकिंग सेक्टर। के अलावा राजीव जी, बाजार तो फर्टाइल दिख रहा है, और कुछ ट्रेडिंग आइडियाज और अपडेट भी शेयर करें। हाँ तो आपको देखिए, मैंने कैनफिन होम दिया था, वो वही का वही है, लेकिन कैनफिन होम मेरे हिसाब से ये सेटलमेंट में 575 से 580 जा सकता है, दैट इज इन द नेक्स्ट वीक। दूसरा मेरा पिक आज का है डीएलएफ के आज नंबर है और बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, तो बेस्ट एवर इन 16 क्वार्टर्स नंबर आएंगे, तो 365-67 में लीजिए डीएलएफ, 360 का स्टॉप लॉस है, 382 to 384 का टारगेट।